नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो मेटा क्वेस्ट 2 के अनबॉक्सिंग के ऊपर है। एक वीआर गेमिंग हेडसेट विद कंट्रोलर है। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ गेमिंग में कर सकते हैं, बट उसके अलावा आप वर्चुअली मीटिंग्स, मूवीज देखना, लाइक अमेज़न प्राइम वीआर, Netflix VR, YouTube VR, and even the I mean you can use it for आप meditation के purpose के लिए use कर सकते हो, आप exercise के purpose के लिए use कर सकते हो, और of course बहुत सारे varieties of game खेल सकते हो। ये मैंने खरीदा है Walmart से, and इसका price है $337, I think which will go around 35,000 or something like that. And let's see, make them. So the product is Meta Quest 2. Like आपको पता होगा, Facebook ने recently अपना name and logo change किया है. So ये product Facebook का है. And the new logo is also there. You can see that. And content-wise, it's written here that एक VR headset है, silicon cover for facial interface दिया है उन्होंने, और दो क्वेस्ट टू टच कंट्रोलर है गेमिंग वगैरह खेलने के लिए, दो डबल ए बैटरीज है, एंड एक पावर एडेप्टर है फॉर चार्जिंग, और इसमें ग्लासेज स्पेसर भी है, लाइक जो लोग प्रेस्क्रिप्शन ग्लासेज यूज करते हैं वो लोग के लिए एक उन्होंने स्पेसर दिया है। आप स्पेसर लगाकर और उसके ऊपर से आप वीआर हेडसेट लगा सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने एक चार्जिंग केबल दिया है, तो देखते हैं इसको क्या है क्या नहीं है। सो मेरे पास कुछ कटर वगैरह नहीं है, मैं रिसेंटली यूएस मूव हुआ हूं, तो वो सब अभी मेरे पास नहीं है। तो मैंने फाड़ा इसको, देन उसके बाद लुक्स लाइक नाइस। आजकल पैकेजिंग काफी कॉम्पैक्ट होता जा रहा है। ओके, हाँ, सो ये जस्ट एक कवर है, इसको यहां रख देते हैं साइड में। मेटा क्वेस्ट 2 बॉक्स में देखते हैं क्या क्या है। ओह, मैंने उल्टा खोल दिया इसको, इसको ऐसे खोलना चाहिए था। काफी अच्छी पैकेजिंग है, और ये वो कंट्रोलर है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसके अंदर 3 स्विचेस, 1 कंट्रोलर, and one more एक और स्विच यहाँ पे दिख रहा है, देखते हैं। ओ वाओ, इट्स गुड, देयर आर सो मेनी कंट्रोल्स। दिस वन इज फॉर राइट साइड, इट्स रिटन ओवर हियर राइट, एंड देन वन मोर कंट्रोलर फॉर लेफ्ट हैंड, देन दिस इज द वीआर हेडसेट। ये वीआर हेडसेट है, मैंने सोचा था कि ये इंडियन पॉपुलेशन के लिए वीडियो बनाऊंगा, लाइक जो लोग हिंदी हिंदी बोलते हैं, बट बीच बीच में इंग्लिश आ जा रहा है, सॉरी अबाउट दैट, मतलब क्षमा करें। एंड या सो यहाँ जो ग्लासेस वगैरह है उसके ऊपर भी जो सेफ्टी प्रोटेक्शन फिल्म होता है वो सब लगा हुआ है। उस पर लिखा है नो सनलाइट ऑन लेंसेस। ओ ओके, तो इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए। इस वीआर हेडसेट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें कोई वायर्ड कनेक्शन नहीं है। यूजुअली जो पुराने या फिर अभी भी बहुत सारे वीआर हेडसेट आते हैं उसमें वायर्ड कनेक्शन होता है, तो उसमें प्रॉब्लम होता है कि हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं। बट इसके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस प्रोडक्ट को आप कहीं बाहर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। कोई वायर्ड नहीं है, तो वी कैन से इट लाइक ये पोर्टेबल ज्यादा है। सो देखते हैं इसको। हाँ, इस पे वार्निंग लिखा है कि इसको सनलाइट में नहीं ले जाना है।
बस यही लिखा हुआ है, मतलब अगर आप इसको लेके पार्क वगैरह में जाते हो तो इसको सनलाइट में नहीं ले जाना है। ओके ओके, अच्छा पैकेजिंग है, पैकेजिंग से मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। ये वो ग्लासेस स्पेसर है जो लोग प्रिस्क्रिप्शन ग्लास यूज करते हैं उन लोगों के लिए। एंड उसके बाद ये चार्जर है, देखेंगे एक एक करके सबको। और दिस इज दैट सिलिकन थिंग लाइक अंडर प्रोटेक्शन, आई थिंक इसको एडजस्ट लगाना होगा, ये भी देखेंगे। और उसके अलावा ये जस्ट सिलिकन, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, सिलिकन सिलिकन कवर का ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और एक और चीज मैं बोल दूं कि बिना फेसबुक अकाउंट का आप इसको नहीं यूज कर सकते। आई थिंक यूज कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे जब वर्किंग वीडियो कैसा होता है, बट फेसबुक अकाउंट इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाट यहाँ पे ये लिखा है कि फेसबुक अकाउंट रिक्वायर्ड होगा। और ये कुछ मैनुअल्स हैं, या दैट्स ऑल इन द बॉक्स, इट्स अ वेरी वेरी गुड बॉक्स। मेटा क्वेस्ट 2, मैं इसको फेंकूंगा नहीं, क्योंकि अगर कभी सामान मूव करना पड़ा कार्गो से तो उसमें हेल्प होगा, और काफी अच्छा बॉक्स है। तो इसको मैं साइड कर देता हूं, मेटा क्वेस्ट 2 यहां रख देते हैं, वीडियो में आ जाएगा मेटा क्वेस्ट 2। ओके, सो एक एक करके देखते हैं क्या है। ओके, सो ये एक्सपेंडेबल स्ट्रैप है, तो यूनिवर्सल साइज का होगा, जो भी साइज आपका है उसमें हो जाएगा। ओके, एंड देन देयर इज लाइक यहाँ पे वो भी है, एडजस्ट करने के लिए भी है, अगर आपको लूज होता है टाइट होता है तो आप इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। सो अच्छा है, अच्छा लग रहा है, हाँ थोड़ा हेवी है बट इट्स ओके। मैं थोड़ा सा इसको बाहर कर लेता हूं ताकि ये टाइट फिट हो जाए। नॉट बैड। ओके, सो इसके ऊपर कुछ एक पेपर लेयर लगा हुआ है, मैं उसको निकाल देता हूं, ये रहा वो लेवल। एंड इनकी बात की जाए तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चार कैमरा सेंसर्स लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम का बटन है, प्लस माइनस कम ज्यादा करने के लिए, और भी सेंसर्स हैं, मुझे आइडिया नहीं है कौन से सेंसर्स हैं। देन यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट है, उसके बगल में एक और पोर्ट है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, मुझे लगता है कि एक साइड पीस से कनेक्ट होता है, उसके लिए होगा, मे बी, नॉट श्योर। एंड या दैट्स ऑल, एंड आई थिंक दिस इज द पावर बटन। ये पावर बटन है, इसको मैंने प्रेस किया तो चालू हो गया, देखता हूँ कैसा लग रहा है। मेटा का लोगो आ रहा है, नो सॉरी आई थिंक ये ऑकुलस का लोगो था, अभी मेटा का नहीं था, मे बी सम फर्मवेयर अपडेट। ओह वाओ, हाँ काफी अच्छा है ये, तो मुझे कंट्रोलर लेने के लिए बोल रहा है। जो भी हो, इसका सेटअप हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, दिस ये वीडियो सिर्फ अनबॉक्सिंग का था, मैं लिंक में सेटअप वीडियो का भी डाल दूंगा, मुझे खुद नहीं पता अभी कैसे सेटअप करना है। उसके बाद हाँ, लेंसेज भी, जो इसमें जो दो लेंसेज हैं वो भी एडजस्टेबल है, आप अपने, जैसे मैंने अभी पहना था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि साइड में डार्क डार्क दिख रहा है,
बहुत अच्छा व्यू नहीं मिल रहा था, तो वो आई थिंक एडजस्ट हो जाएगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके तो इसको साइड रख देता हूँ, ये मैंने पढ़ लिया है। और यहाँ क्या लिखा है, नथिंग, ये जस्ट बोल रहा है कि ये इस पर फिट हो जाएगा एंड ऑल। कहाँ लगाते हैं इसको, देखिए जरा। ये मतलब अंदर साइड में ये कैसे कि थोड़ा सा अलग, मतलब उतना कंफर्टेबल मटेरियल नहीं है, तो इसलिए उन्होंने शायद सिलिकन वाला एक पैड दिया है ताकि ये हमारे फेस के ऊपर काफी कंफर्टेबल हो जाए। तो लगा के देखते हैं कैसा लगता है। मैं गेमिंग पर्सन नहीं हूँ, लाइक मैं बहुत हार्डकोर गेमर नहीं हूँ, बट मुझे गैजेट्स का काफी शौक है। और मैंने देखा है कि इसको ऐसे नहीं बिल्कुल गेम नहीं खेलता हूँ, खेलता हूँ, बट हार्डकोर गेमर नहीं हूँ। तो बट इसका और भी काफी सारे यूजेज हैं वीआर हेडसेट का, एंड वीआर इज फ्यूचर, ऐसे नहीं बोल सकते कुछ भी फ्यूचर है, बिकॉज कुछ कुछ नया टेक्नोलॉजी आते रहते हैं एंड पुराना खत्म हो जाता है काइंड ऑफ। But yeah, next next 50 years, not 15 but 25, I can definitely say that next 25 साल में VR में VR का बहुत स्कोप है। अच्छे से फिट नहीं हो रहा है। ओके हो गया। क्लास भी ये क्लासेस भी एडजस्टेबल है, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। हाँ, इट लुक्स बेटर। ओके लेट मी रिमूव दैट फिल्म हियर। सो ये मैंने फिल्म भी हटा दिया है, दूसरे क्लास में फिल्म हटा दिया है। एक ब्रॉड पहन के देखता हूँ कैसा लग रहा है। हाँ या नाउ इट्स बेटर, बेटर देन व्हाट इट वाज प्रीवियसली, मतलब पिछली बार से अभी अभी ये काफी बेटर है। आप ऐसे कर लेते, ये भी ऐसे आता है, ऐसा लगता है हिल रहा है। दैट्स गुड। ये ग्लासेस स्पेसर है जो कि मैं यूज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई प्रिस्क्रिप्शन ग्लास नहीं है, मैं कोई भी ग्लास नहीं यूज करता हूँ अभी तक, मेरी आंखें अच्छी हैं, तो इसको साइड कर देते हैं। ये एडेप्टर है चार्जिंग के लिए। वारंटी गाइड एंड देन रेफरेंस गाइड है इसमें, कुछ कुछ तो दिया है मैनुअल वगैरह भी है, तो देखते हैं इसको काम आएगा। और ये दो कंट्रोलर है जैसा कि आप देख सकते हैं, बैटरी नहीं दिया इन्होंने मुझे लग रहा है, मैंने सुना था कि बैटरी रहता है साथ में, बट दैट्स ओके। इस पर भी कुछ नहीं लिखा है, साइड में रख देता हूँ। ये एक एडेप्टर है एंड ये वो काफी स्मूथ फिनिश है। ये केबल है, मैंने सुना है कि बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, शायद तीन घंटे चलता है, तीन साढ़े तीन घंटे। मैं रिव्यू वीडियो में वो सब डिटेल दे दूंगा, उसको भी साइड में रखते हैं। बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, तो उन्होंने बैटरी दिया है, ऐसा नहीं है नहीं दिया है। That's good. Okay. So, देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या लिखा है। ओके सो इन्होंने बैटरी ड्रेन ना हो जाए इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये स्ट्रिप से उन्होंने वो बैटरी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो मैं स्ट्रिप निकाल देता हूं।
तो अब बैटरी पावर में आ गया है। दैट्स गुड। ये राइट साइड वाला है, अभी मैं लेफ्ट साइड वाले से वो बैटरी का जो प्रोटेक्टर होता है वो निकाल देता हूँ। डन। सो उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि वो आप निकाल दो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने जस्ट बटन ऑन करने बोला जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और थर्ड स्टेप में हेड में पहनने बोल दिया उन्होंने। काफी कंफर्टेबल है, यहाँ पे एडजस्टमेंट गाइडलाइन दिया हुआ है, आपके पूरे पूरे फेस के हिसाब से ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा ऐसा लग रहा है। ओके सो मैं इसका डिटेल्स दे देता हूँ, लाइक काफी सारे बटन्स हैं, तो कौन से बटन्स क्या है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है सो यहाँ पे दो छोटे छोटे बटन्स हैं एक्स एंड वाई करके, तो जो जो पहला एक्स है वो है एक्स, वो एक्शन बटन है, ठीक है, और सेकंड जो है ये मतलब एटलीस्ट मल्टीपल डायमेंशंस में ये बटन घूम सकता है, तो उसको वो थंब स्टिक है जो नॉर्मल वीडियो गेम कंट्रोलर में होता है। थर्ड इज योर मेनू बटन। ओके सो एक यहाँ पे एक बटन है जिसपे थ्री हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं, दैट इज योर मेन्यू बटन फॉर सेटिंग और वट एवर। फोर्थ इज ट्रिगर, सो दिस बटन इज योर ट्रिगर, एंड दिस वन, सॉरी आई थिंक दिस वन इज ट्रिगर एंड दिस वन इज ग्रिप बटन। ओके दिस वन इज एंड देन And this is your wrist strap, just to hold in your hand, मतलब हाथ में।